नमस्कार दोस्तों, आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसके कई यूज हैं। आप डेली चटनी या सॉस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका खास यूज पिज्जा बनाने में किया जाता है। क्योंकि मैं अगला वीडियो पिज्जा का लाने वाली हूँ, तो प्लीज इसे आप जरूर देखिए। एक बाउल पिज्जा सॉस बनाने के लिए चाहिए 5 टमाटर, 1 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, खड़ी लाल मिर्च से बना सकते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ओरिगिनो सीजनिंग, इसे जरूर डालें अच्छे फ्लेवर के लिए, 8 से 10 लहसुन, अदरक का छोटा टुकड़ा, 1 मीडियम साइज प्याज। टमाटर को बीच से काट लें इस तरह से। टमाटर का ऊपर का हिस्सा काट कर निकाल लें, क्योंकि ये जल्दी पकता नहीं है। ध्यान दें, टमाटर को केवल 2 पीस करना है इस तरह से। अदरक को बारीक काट लें। एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लें, तेल का ज्यादा यूज ना करें। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें, ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद ही अदरक लहसुन डालें। इसमें प्याज डालें, लाइट ब्राउन होने दें। इसके लिए थोड़ी देर ढककर रखें। 2 मिनट तक प्याज को पकने दिया, उसके बाद टमाटर को डाल दिया। गैस को मीडियम पे ही रखें और इसे ढककर ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये पिज्जा देखिए, ऐसा आप घर में उपलब्ध चीजों से बनाना चाहते हैं? बहुत आसान है। ये वीडियो कब आएगा इसका अपडेट इसी वीडियो में आपको मिलेगा। लगभग 4 मिनट बाद इन्हें खोल कर देखें, ये पक रहे हैं। अब इन्हें पलटा दें। ध्यान दें, इन्हें ढककर भाप में ही पकाना है। 4 से 5 मिनट बाद इसे चेक करें, पका है या नहीं। पकने के बाद देखें, इस तरह दिखाई देगा। अब देखिए, टमाटर अपने छिलके अपने आप ही छोड़ रहे हैं, ये देखिए। अब इन छिलकों को निकालना है। छिलकों को कढ़ाई में ही निकालें, चिमटे से इन्हें पुश करें और पकड़कर निकाल लें। स्पून की मदद से दबा दें सभी को और अच्छे से चला दें और थोड़ी देर पकने दें। ढक दें और थोड़ी भाप में पकने दें। लगभग 2 मिनट बाद देखें, अच्छे से पक चुके हैं। एक बार और अच्छे से मैश कर दें। अब ये पक चुका है। इसमें स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा चला दें। इसमें ऑरिगिनो, चिली फ्लेक्स, कश्मीरी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर डालें, सॉस डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसे ढक दें, मीडियम फ्लेम पे पकने दें। लगभग 2 मिनट बाद देखें, अब ये अच्छे से पक चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। मैंने गैस बंद कर दिया है। वीडियो स्किप मत करिए, मैं लास्ट में आपको कुछ अपडेट देने वाली हूँ। अब ठंडा हो गया है ये। मिक्सर में इसे पीस लें। फ्रेंड्स, घर में उपलब्ध चीजों से डोमिनोज पिज्जा हट से अच्छा पिज्जा बनाने वाला वीडियो कल दोपहर में आने वाला है। प्लीज वॉच करें। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।